सो गाइज, अक्टूबर महीने की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट अपने पास आ चुकी है। और यार आप लोगों को बता दूं, अक्टूबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है यार, सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है इस टाइम पे। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कौन सी गाड़ियाँ कौन कौन से नंबर में। अगर सितंबर के महीने से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो अक्टूबर का महीना जो है ना बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप सा रहा है यार, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो चुका है। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना टॉप 25 के लिस्ट में ऐसी गाड़ी एंटर हो चुकी है जिसका कोई निशान ही नहीं था और इस गाड़ी को हाल ही में फेसलिफ्ट मिला है, और वो है ह्यूंडई की i20। इसको जो है ना अभी फेसलिफ्ट मिला था, तो देख सकते हैं टॉप 25 के लिस्ट में ये भी एंटर हो चुकी है। अगर यूनिट्स की बात करूँ तो इसकी यूनिट बिकी है 5,352 यूनिट्स जो है पूरे इंडिया के अंदर ये बिकी है। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन हुआ है यहाँ पे। अब ये जो है ना अब कितना बिकती है अगले इस महीने में, जो अभी चला हुआ है नवंबर का महीना, इस महीने में हम लोग इस गाड़ी को देखेंगे कि कितनी इसकी सेलिंग्स होती है। अगर इसके शोरूम प्राइस की बात करूँ मैं तो ये 6.99 लाख रुपए से शुरू होकर 11.16 लाख रुपए तक ये चले जाती है आप लोगों की। 24th नंबर पे जो है ना महिंद्रा की थार आई है। इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो 5,747 यूनिट्स जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिकी है। तो ये भी जो है ना यार अभी थोड़ी सी डाउन हो गई है इसकी सेल्स अगर पिछले महीने से कंपेयर करके देखते हैं इसको। इसकी जो शोरूम प्राइस शुरू हो जाती है ये 10.54 लाख रुपए से शुरू होकर 16.78 लाख रुपए तक ये गाड़ी चले जाती है। अब 23rd नंबर पे जो है ना ऐसी गाड़ी आई है जो भारत में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती थी किसी टाइम पे, और वो है मारुति की ऑल्टो। इसकी जो यूनिट्स बिकी है वो है 6,371 यूनिट्स। तो पिछले महीने ये आई थिंक शायद से 17, 18, 19 नंबर पे ये पहुंची थी, इस टाइम तो अब ये टॉप 23 के लिस्ट में पहुंच चुकी है भाई। अब ये जो है ना बहुत ही जल्दी बाहर ही हो जाएगी ऐसा लग रहा है अपन को। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 3.99 लाख रुपए से शुरू होकर 5.96 लाख रुपए तक इसकी प्राइस चले जाती है इंडिया के अंदर। अब टॉप 22nd नंबर पे जो आई है वो है होंडा की एलिवेट, 6,709 यूनिट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिकी है। तो काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के लिए। अब देखते हैं कब तक ये जो है ना अपनी जगह को बना पाती है, पर टॉप 20 के लिस्ट में अभी भी जो है ना ये एंटर नहीं करी है। प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो 11.4 लाख रुपए से शुरू होकर 16.24 लाख रुपए तक इसकी प्राइसिंग चले जाती है। टॉप 21 की अगर लिस्ट में आपकी बात करूं तो यहां पे 21 नंबर पे आई है जो है वो है टाटा की ऑल्ट्रोज, 6,995 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। तो ये भी जो है ना सीएनजी के बाद इस महीने में जो है ना इसकी थोड़ी सी डाउन रही है सेल्स अगर देखते अगर पिछले महीने से कंपेयर करें सेप्टेम्बर महीने से। तो इसकी अगर शोरूम प्राइस की बात करें तो 6.60 लाख रुपये से शुरू होकर 10.74 लाख रुपये तक जो है ना ये चले जाती है। अब टॉप 20 की लिस्ट में हम एंटर हो चुके हैं तो यहाँ पे 20th नंबर पे जो आई है वो आई है ह्यूंडई की एक्स्टर। यूनिट्स की बात कर लेते हैं तो 7,817 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। इसकी भी शोरूम प्राइस जो है ना 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10.10 लाख रुपए तक ये चले जाती है बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज प्रोवाइड हो जाता है इस गाड़ी के अंदर भी, उसके बावजूद भी जो है ना ये 20th नंबर पे आप लोग की डली हुई है। और 19th नंबर पे इसी की जो है ना खास राइवल आ जाती है वो है टाटा की टियागो। इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं तो 8,747 यूनिट्स जो है ना इंडिया के अंदर बिकी है। प्राइसिंग इसकी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, तो 5.60 थाउजेंड रुपये से शुरू होकर 8.20 लाख रुपये तक ये चले जाती है। तो यहाँ पे जो है ना उतार चढ़ाव आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा आप लोगों के तरफ में जो है ना ये बढ़ रहा है। 18th नंबर पे अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV700, इसकी यूनिट्स की बात कर लेते तो 8,975 यूनिट्स जो है ना पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते तो 14.1 लाख रुपए से शुरू होकर 26.18 लाख रुपए तक जो है ना ये चले जाती है। और 17th नंबर पे जो गाड़ी आई है वो है आप लोगों की टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा हाई क्रॉस, जो भी आप लोग बोल सकते हैं सेल्स कंबाइंड है, 9,014 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। प्राइसिंग अगर इसकी बताता हूँ तो आप लोगों को मैं 19.99 लाख रुपए से शुरू होकर 26.5 लाख रुपए तक ये आप लोगों की चले जाती है। अब जो है ना 16th नंबर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ना भाई इस गाड़ी को कोई भी जो है ना बीट नहीं कर सकता, कब से अपने ही नंबर पे बने रहती है ये गाड़ी। ये है आप लोगों की महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी यूनिट्स के बारे में बात करूँ और इसमें आप लोगों की बोलेरो और क्लासिक और नियो दोनों की सेल्स कंबाइंड है, 9,836 यूनिट्स जो है ना पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते तो 9.63 लाख रुपए से शुरू होकर 12.14 लाख रुपए तक आप लोगों की ये चले जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 15th नंबर पे, तो यहाँ पे आई है मारुति सुजुकी की तरफ से इको, जिसकी यूनिट्स बिकी है 10
मतलब 10,741 यूनिट्स, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इसकी अगर प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ तो ये 5.27 लाख रुपए से शुरू होके 6.53 लाख रुपए तक चले जाती है। इतनी ज़्यादा बिकती है पर मार्केट में दिखती नहीं है, हमेशा का एक ही डायलॉग हम मारते हैं। अब 14th नंबर पे आई है किया की सेल्टॉस, 11,084 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। सेल्टॉस को भी हाल ही में जो है ना फेसलिफ्ट मिला था, उसके बावजूद भी जो है ना ये अभी भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं एंटर हो पा रही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते तो 10.90 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चले जाती है। अब 13th नंबर पे जो है ना आप लोगों की आई है मतलब फ्रॉन्क्स बलेनो, एक ही बात आप लोग ही इसको बोल सकते हैं, बट नाम फ्रॉन्क्स है, क्रॉसओवर क्या है इस गाड़ी का कुछ सिस्टम से ही समझ में नहीं आता है यार। तो फ्रॉन्क्स आई है 13th नंबर पे, जिसकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो 11,357 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। प्राइसिंग इसकी आप लोगों को बता दूं तो 7.46 लाख रुपए से शुरू होके 13.13 लाख रुपए तक चले जाती है। अब यहाँ पे 12th नंबर पे आ जाती है इसकी ग्रैंड विटारा, 11,861 यूनिट्स। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते तो 10.70 लाख रुपए से शुरू होके 19.20 लाख रुपए तक चले जाती है। ये एक प्रीमियम आप लोग गाड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्सा, मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से आने वाली। और 11th नंबर पे आ जाती है आप लोग की वेन्यू का भी जो है ना नाइट एडिशन अभी इन लोगों ने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, 12,107 यूनिट जो है ना इंडिया के अंदर भी की है, काफ़ी अच्छी बात है। प्राइसिंग इसकी आप लोग की शुरू हो जाती है 7.77 लाख रुपए से शुरू होकर 13.48 लाख रुपए तक चले जाती है। अब बॉस हम आ जाते हैं टॉप 10 की लिस्ट के अंदर, हम एंटर हो चुके हैं, जिसमें 10th नंबर पे आपने की गाड़ी आई है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो क्लासिक प्लस एन जो है ना, दोनों इसमें सेल्स कंबाइंड है। 12,851 यूनिट्स जो है ना पूरे इंडिया के अंदर बिकी है, जिसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 13 लाख रुपए से शुरू होके 16.81 लाख रुपए तक चले जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। 9th नंबर पे आ जाती है एक ऐसी गाड़ी जिसने आज तक सेगमेंट में अपना राज बना के रखा हुआ है, वो है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली अर्टिगा। ये 7 सीटर की ऐसी गाड़ी है यहाँ पे डली हुई जो किसी को कोई भी बीट नहीं कर पाता है। यूनिट्स के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पे 13,234 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है, जिसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 8.64 लाख रुपए से शुरू होकर 13.8 लाख रुपए तक शुरू मतलब चले जाती है। तो लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है कि सांस ही फूलने लग जाती है। अब 8th नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किसी को भी विश्वास नहीं होगा, 8th नंबर पे है अपनी क्रेटा हुंडई की, जो कि किसी टाइम पे 6th या 7th नंबर पे थी, इस बार ये 8th नंबर पे आके डली हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका भी फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, हो सकता है जनवरी 2024 में आप लोग को मिल जाए। 13,456 यूनिट जो है ना पूरे इंडिया के अंदर बिकी है, जिसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 10.77 लाख रुपए से शुरू होकर 19.20 लाख रुपए तक चले जाती है। अब यहाँ पे 7th नंबर पे एक ऐसी गाड़ी आई है जिसने भी जो है ना मार्केट में अपना दम बरकरार रखा हुआ है, वो है मारुति सुजुकी की तरफ से एक लौती सेडान डिजायर, जो पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकती है अपने, जिसकी यूनिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 13,921 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 6.51 लाख रुपए से शुरू होके 9.39 लाख रुपए तक चले जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए और 6th नंबर पे आ जाती है अपनी टाटा की पंच, जिसकी यूनिट बिकी है 14,616 यूनिट पूरे इंडिया के अंदर। भाई पंच का भी कुछ सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, पंच भी जो है ना किसी टाइम पे काफ़ी अच्छा दम दिखा रही थी अपना, अब पता नहीं इस महीने में इस गाड़ी को क्या हो गया यहाँ पे, जो कि पिछले महीने अगर से कंपेयर किया जाए सितंबर से तो 4th नंबर पे डली थी, इस महीने में जो है ना 6th नंबर पे डली है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी सेल जो है ना डाउन तो नहीं बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है इस वजह से जो है ना 6th नंबर पे है। 14,616 यूनिट बिकी है इसकी, जिसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10.10 लाख रुपए तक चले जाती है। अब 5th नंबर पे ऐसी गाड़ी आई है जो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती थी, वो है मारुति सुजुकी की तरफ से वैगनार। यूनिट की बात कर लेते तो 14,862 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। पिछले महीने भी आप लोगों को बताऊं तो मैं पिछले महीने में भी ये काफ़ी अच्छा सेल्स इसका रहा था, बट पता नहीं अब इस महीने इस गाड़ी को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, सब गाड़ियां जो है ना कुछ इन गाड़ियों को हो ही रहा है। तो
आप लोग बताना आप लोग को क्या लगता है कि भाई क्या सिस्टम हो सकता है इन गाड़ियों का कम बिकना, क्योंकि थर्ड नंबर पे थी और इस महीने ये जो है ना फिफ्थ नंबर पे है। 5.54 लाख रुपए से शुरू होकर 7.42 लाख रुपए तक चले जाती है इसकी प्राइसिंग। और फोर्थ नंबर पे आ जाती है ब्रेजा, 15,772 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है, जिसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 8.29 लाख रुपए से शुरू होकर 14.14 लाख रुपए तक चले जाती है। तो ब्रेजा भी जो है ना आप लोगों की पता ही है, ब्रेजा फिफ्थ नंबर पे थी और इस महीने फोर्थ नंबर पे आई है। और अब जो थर्ड नंबर पे वापस से सेगमेंट किलर जिसको बोलते हैं आप लोग, वो है टाटा की नेक्सॉन, जिसने अपना जो है ना स्थान वापस से प्राप्त कर लिया है। इसकी जो यूनिट्स बिकी है वो 15,784 यूनिट पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। काफ़ी अच्छी बात है, ये एक बिग अचीवमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, इतने ज़्यादा कम टाइम में एक ही महीने के अंदर जो है ना वापस से अपना इसने पोजीशन हासिल कर लिया है। 8.10 लाख रुपए से शुरू होकर 15.50 लाख रुपए तक इसकी प्राइसिंग चले जाती है। अब कर लेते हैं सेकंड नंबर की बात, जो कि ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे, जो पहले फर्स्ट नंबर पे थी पिछले महीने वो इस बार सेकंड नंबर पे है, और वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इसकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो 17,439 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर बिकी है। तो देख सकते हैं पिछले महीने जो है ना फर्स्ट नंबर पे थी, इस महीने ये सेकंड नंबर पे है। 5.99 लाख रुपए से शुरू होके 9.3 लाख रुपए तक ये चले जाती है। और अब कर लेते हैं फाइनल, अपना जो फर्स्ट नंबर पे जो पोजीशन हासिल की है वो है नेक्सा मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली बलेनो, 19,571 यूनिट्स के साथ ये बनती है अपनी इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग कार ऑफ द मंथ। भाई क्या बोल सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसकी जो प्राइसिंग शुरू हो जाती है वो 6.61 लाख रुपए से शुरू होकर 9.88 लाख रुपए तक चले जाती है। तो भाई ये थी अपनी लिस्ट 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की जो अक्टूबर महीने में पूरी गाड़ियां बिकी है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार चढ़ाव हुआ है यहाँ पे भी। अब देखते हैं नवंबर के महीने में क्या गाड़ियां क्या क्या बिकती है क्या क्या नहीं बिकती है, आप लोग उस वीडियो का भी एंड में आप लोग को पता है आ ही जाता है सब कुछ सिस्टम, उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे आती रहती है। मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग रखना अपना ध्यान, वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद।